पार्वती जी जिस समय दुख की घड़ी चल रही हो, तकलीफ की घड़ी चल रही हो, कष्ट की घड़ी चल रही हो, बहुत तकलीफ हो जीवन में चल रही हो, बहुत तकलीफ जब जिंदगी में चल रही हो, उस समय पर दो बेलपत्र और दो पुष्प दो बेलपत्र और दो पुष्प एक पुष्प लाल लेना है, एक पुष्प लाल लेना है और एक पुष्प श्वेत लेना है। जो लाल पुष्प वाला बेलपत्र है उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना, और श्वेत पुष्प वाला जो बेलपत्र है, सफेद पुष्प वाला जो बेलपत्र है उसको भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, भगवान शिव का जो शिवलिंग है उस पर समर्पित करना। एक जो लाल बेलपत्र, लाल पुष्प का जो बेलपत्र है, लाल पुष्प वाला जो बेलपत्र है, लाल पुष्प का जो बेलपत्र है वो बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और श्वेत पुष्प का जो बेलपत्र है वो सफेद पुष्प वाला बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर। अपने दिल की कामना, अपने मन से बाबा से प्रार्थना करो, अपने हृदय से भगवान शिव को कहो और दिल से देवाधिदेव महादेव को कह कर आओ, दिल से हृदय से। जब दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से कहोगे, हृदय से भगवान शंकर से प्रार्थना करोगे तो देवाधिदेव महादेव सुनेंगे जरूर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि विषम परिस्थिति में, तकलीफ की घड़ी में, विषम परिस्थिति में, तकलीफ की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, विषम परिस्थिति में प्रयास करो कि हम शंकर और पार्वती, शिव और पार्वती को पुकारे। विषम परिस्थिति हम भगवान शंकर और पार्वती जी का स्मरण करें, विषम परिस्थिति में हम देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का स्मरण करें। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं और देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं तो क्या पार्वती जी को भी जल चढ़ाने जाना पड़ेगा? पार्वती जी को भी जल चढ़ाने के लिए जाना है। शिव महापुराण की कथा कहती है आप अगर हृदय रखकर जड़ ध्यान देंगे, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, और अगर आप हृदय रखकर जब हम देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, और वहीं जल चढ़ाते चढ़ाते आप अशोक सुंदरी वाली जगह अर्थात माता पार्वती जी का हस्त कमल और अशोक सुंदरी वाली जगह पर भी अपने जल को थोड़ी सी धार लगा देते हैं तो शंकर और पार्वती दोनों को ही वो जल समर्पित हो जाता है। वैसे तो शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि केवल एक देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ा देने से, शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित कर देने से 33 कोटि देवता, चाहे फिर उसमें गणेश जी हों, कार्तिकेय जी हों, जगदम्बा अम्बा हो, चाहे नवग्रह देवता हो, चाहे पंचलोकपाल हो, षोडश मातृका हो, 64 योगनियां हो, सारे देवी देवता उस
शंकर भगवान के शिवलिंग में विराजमान हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम एक लोटा जल, जैसे हमने दूसरे दिन की कथा में एक बात कही थी कि अपने पितृदेव, अपने कुलदेव, अपने ग्रामदेव, अपने स्थानदेव, अपने नगरदेव, किसी भी देवता का अगर हम स्मरण कर रहे हैं और हमको नहीं मालूम कि हमारा कुल देवता कौन है, हमें नहीं मालूम हमारी कुल देवी कौन है, हमें नहीं मालूम हमारे पितर कौन है, हमें नहीं मालूम कि हमारे स्थान देवता कौन से हैं, हमें नहीं मालूम कि हमारे खेड़े के देवता कौन से हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल जब हम देवदिद्य महादेव को समर्पित करते हैं तो सारे देवताओं को वो जल प्राप्त हो जाता है और सारे देवता मिलकर हमारा कल्याण कर देते हैं। हमारे भीतर के जो खोट होते हैं, हमारे भीतर के जो अवगुण होते हैं, हमारे भीतर के जो दोष होते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है प्रयास करा करो कि जब कथा सुनने जाओ तो एक मन में संकल्प लेकर जाओ कि मैं जो गलत काम करता हूँ उसमें से आज एक गलत काम शिव महापुराण की कथा में छोड़ दे रहा हूँ, उसके बाद मैं कभी नहीं करूँगा। होता है गुरु गुरु होता है, साधु साधु होता है, तपस्वी तपस्वी होता है, साधक साधक होता है, उपासक उपासक होता है। दुनिया में सबसे कोमल दिल, दुनिया में सबसे नम्र दिल, दुनिया में सबसे स्नेहिल दिल अगर माना गया है तो किसी संत साधु गुरुजन ब्राह्मण जन तपस्वी जन साधक और उपासक का माना गया। गुरु एक ऐसा होता है गुस्सा कर भी देता है, क्रोध कर भी देता है। संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक अगर क्रोध कर भी देते हैं तो संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक का जो हृदय होता है इतना भगवान की भक्ति में डूबा डूबा इतना नर्म हो जाता है कि अगर गुस्सा कर भी देता है तो दूसरे क्षण में माफ कर भी देता है। वो संत, वो साधु, वो गुरुजन, वो तपस्वी, वो साधक, वो उपासक। जो पार्वती जी पूछती है बात क्या है, क्या हुआ माँ, मधुर के टप चित्तो असुर परेशान करके रख दिए हैं, आप कुछ कृपा करिए माँ जगत जननी, कुछ करुणा कर, कुछ करुणा कर। विनय करा, निवेदन करा कि अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे घर पर वाली, तेरे ही ओ मैया हम सब तारे तेरी, तेरे कर सिस्टर थप मार कर चिमटी खोड़ कर रुलाते हैं क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं आज रोएगा तो मरेगा तब तक रोएगा, क्योंकि दुनिया के लोग केवल रुलाना जानते हैं, शिव महापुराण हंसाना जानती है, मुस्कुराना जानती है। दुनिया के लोग रुलाएंगे, कभी बच्चों के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी पत्नी के लिए, कभी कुटुंब के लिए, कभी जमीन के लिए, कभी जायदाद के लिए, कभी संपदा के लिए, कभी शरीर के लिए, पूरी उम्र बचपन से लेकर मरोगे तब तक केवल रोने में निकलना है। मुस्कुराने के लिए तो शिव महापुराण के ये 7 दिन मिलते हैं, खूब सेवा करो और खूब मुस्कुरा लो, ये जिंदगी के 7 दिन। और केवल शिव महापुराण के 7 दिन से मतलब ये नहीं है कि शिव पुराण के 7 दिन है, हमारी जिंदगी के 7 दिन है। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये हमारी जिंदगी के 7 दिन हैं। इन 7 दिनों में खूब मुस्कुरा लो क्योंकि ये 7 दिन अंतिम। श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिन की होती है, बोलो बोलो जम के, 7 दिन की। गिरी गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया, कितने कोस का, 7 कोस। कितने दिन तक उठा कर रखा, 7 दिन तक। अपना जन्म कितने दिन में हुआ, आप और हम कब पैदा हुए, कोई रविवार को, कोई सोमवार को, कोई मंगलवार को, कोई बुधवार को, कोई गुरुवार को, कोई शुक्रवार को, कोई शनिवार को, 7 दिन में पैदा हुए। मरोगे कितने दिन में, अरे बोलो तो जम के, 7 दिन में। अलग से तुम्हारे लिए कोई दिन लिख कर नहीं आएगा, इन्हीं 7 दिन में, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और
शनि, इन्हें 7 दिन में जन्म हुआ, इन्हें 7 दिन में जाना है, और यही 7 दिन की शिव पुराण कथी है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन में निकल जीवन के 7 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं मुस्कुराते। जिसने सेवा कर ली, जिसने चाकरी कर ली, जिसने भजन कर लिया, जिसने कीर्तन कर लिया, जिसने मंत्र जाप कर लिया, जिसने नाम जाप कर लिया, वह आनंद की सुख राशि प्राप्त कर लेता। मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, गंडई के निवासियों को धन्यवाद देता हूँ। इस गंडई को तो चिंता मत करना, मेरे भोलेनाथ तुम्हारी सारी व्यवस्था कर ही देते हैं। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है। और महाराज दिया, मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न, गजब। हमेशा नारायण से लोग मांगते थे, आज नारायण को मांगने का मौका मिल गया। और नारायण ने कह दिया, अगर देना चाहते हो तो देव, तुम दोनों के प्राण मेरे हाथ से छूटे, मैं तुम्हारा संहार करूं, मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो। मधु केटम ने कहा, हम आपके हाथ से मरेंगे, पर शर्त एक है, जल में ना मरे, सूखे स्थान पर थल पर मरे। भगवान ने अपनी जंघा पर रखकर सुदर्शन चक्र से मधु केटम का संहार कर दिया। और माता जगत जननी ने जो बुद्धि फेरी, उस बुद्धि के फेरने से मधु के टप का संहार। शिव कहते हैं, भगवान शंकर काशी में माँ जगत जननी पार्वती से कहते हैं, सुनो जगत जननी, हे जगदम्बा पार्वती सुनो, तुम्हारा और मेरा नाम जब संसार का कोई मनुष्य लेता है, संसार सागर से मुक्त होकर कैलाश धाम में जाकर विराजमान होता है। बोल दुर्गा महारानी की, बमलेश्वरी माता की, गंगई माता की। भगवान शिव की आराधना करी और देवाधिदेव महादेव ने वर दे दिया, सुनो शनि और सुनो मंदार, यदि कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, सुनो मंदार, सुनो शमी, अगर कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, उसे हजारों अश्वमेघ यज्ञ के स्नान का जो पुण्य होता है वो एक क्षण में प्राप्त होगा।